दी एक्सटेंट एंड वैराटी ऑफ सिटीजन पार्टिसपेशन इन पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पर कोई भी इंसान कोई भी स्टूडेंट जो पोलिटिकल सोशोलोजी की इम्पॉटेंस को समझना चाहता है वो पोलिटिकल सोशोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं सकता जब तक वो ये ना समझ पाए कि जो सिटीज़न पार्टिसपेशन है इन पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली वो क्या है ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है किसी भी जगह की जो सोशियोलॉजी डेवलप होती है या डिज़ाइन होती है वो अफराद के आ, उनकी पार्टिसिपेशन के कॉन्टेक्स्ट में होती है यानी लोग जो हैं वो अपने मुशरे में क्या किरदार सर अंजाम दे रहे हैं उनका अपने मुशरे और फिर अपने मुशरे के अंदर होने वाली तब्दीलियों के साथ कैसा ताल्लुक़ है तो हम ये देखते हैं दैट एंशियंट ग्रीक फिलासफर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ मैसेज इन डिसीजन मेकिंग एंड पोलिटिकल एक्टिविटीज इन अ सोसाइटी और स्टेट हैज़ बीन द कोर ऑफ़ देयर फिलासफीज एंड थेरीज सो सच पार्टिसिपेशन हैज मेड मैनी डिफरेंट मेथड्स. सिंस लॉन्ग लाइक पार्लियामेंट्स इलेक्शंस बट द रोल प्लेड बाय पोलिटिकल पार्टीज़ इज़ मैचलेस इंसान जो है उसकी ये बुनियादी ख़्वाहिश होती है कि जो भी निज़ाम मौजूद है उसके अंदर किसी न किसी तरीके से उसका कोई किरदार हो उसको भी इम्पोर्टेंस दी जाए उसका भी कोई रोल हो और जब अफराद अपने लिए कोई अहम किरदार ढूंढते हैं उसकी तलाश करते हैं तो उसके बहुत सारे मेकनिज़म होते हैं जिसके थ्रू वो रोल उनको हासिल हो जाता है हम देखते हैं कि जमाने कदीम से लेकर आज तक जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ार अमल में आते रहे जिससे लोगों को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में शामिल किया जाता रहा कभी कभार ये तरीक़ार ऐसा था कि लोगों की नुमाइंदगी जो है वो बरह रास्त होगी कभी पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंट का एवोल्यूशन से लेकर जैसे जैसे आज तक पार्लियामेंट जिस स्टेज पर पहुंची उसमें लोगों का किरदार लोगों का रोल कैसे होगा फिर उसके साथ साथ इलेक्शंस के कई तरीक़ेकार सामने आते रहे ताकि अफराद को ये एहसास हो कि निज़ाम में उनका कितना अहम किरदार मौजूद है लेकिन ये सब की सब बातें जो हैं ये इनकम्प्लीट हो जाती हैं अगर हम इस बात से इनकार करें के लोग जो हैं उनको निज़ाम में उनको पॉलिटिक्स के अंदर जो उनकी पार्टिसिपेशन है वो किस तरह मुमकिन है तो एक जवाब जिसके ऊपर तकरीबन तमाम माहरीन का कंसेंसस है कि अगर सियासी जमातें ये चाहें कि वो अफराद की पार्टिसिपेशन को इनहेंस करें और अफ़राद की तरबियत करें कि उन्होंने सियासत में कैसे हिस्सा लेना है तो ये सबसे अहम तरीन चैनल होता है जिसमें लोगों की पार्टिसपेशन को ना सिर्फ समझा जा सकता है लोगों की ट्रेनिंग की जा सकती है बल्कि लोगों को ये सिखाया जा सकता है कि वो फ़ैसला साजी के अमल में कैसे बराह रास्त शामिल हो सकते हैं सच इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ पोलिटिकल पार्टिसपेशन ऑफ मैसेज इन पॉलिटिक्स हैज़ बिन इनक्रीजिंग सेंचुरी बोथ IN SHAPE OF INCREASING THE NUMBER OF MEMBERS OF A SINGLE PARTY AND ALSO THE NUMBER OF POLITICAL PARTIES. अब हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर 18वीं सदी से एक ऐसा ट्रेंड आया जिसके अंदर मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर सियासी जमातों की तश्कील का अमल भी स्टार्ट हुआ और बज़ाहिर वो सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में राइज़ होना शुरू हुई कुछ ने अपनी मेंबरशिप को इंक्रीज किया कि जितने ज़्यादा लोग पार्टी के मेंबर होंगे वो ज़्यादा अच्छा तरीका है कुछ ने ये समझा कि जितना पार्टीज़ का नंबर ज़्यादा होगा उससे लोगों की इन्वॉलमेंट जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी सो इवन इन दर्लियर ईयर्स ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड स्टेट इस्टेबलिशमेंट there was a functional division and uh, that that functional division was basically uh, was done on the um, basis that what type and how the people can be involved uh, in the name of political participation and citizen participation then uh, um, two major political parties they were evolved in america and then they have uh, uh, established a mechanism to involve the people in the process of their decision making. So, we can say that the political party became a unique organization, a virtual, basically, machine in some places that met certain vital needs of societies with a fair and efficiently lacking in other organizations. जो हम देखते हैं कि सियासी जमातों का जो इर्तका है उसमें बुनियादी तौर पर क्या अमल का फरमा था कि बाकी जो हैं, उनके अंदर जो कमी है वो सियासी जमातों के ज़रिए पूरी की जा सके यानी हर माशरे के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गनइजेशनस काम कर रही होती हैं मुख्तलिफ नामों के साथ अपने फरज़ को सर अंजाम देती हैं लेकिन सियासी जमातें जो हैं उनका बुनियादी काम क्या है उनका बुनियादी काम ये है कि लोगों को मोबिलाइज़ करना टू वर्ड्स पोलिटिकल पार्टिसपेशन कि आप जितना एक्टिव होंगे उतना ही सियासी फैसला सज़ी में आपका रोल ज़्यादा होगा और सियासी फैसला सज़ी जो है वो उतनी जामे उतनी कॉम्प्रीहसिव होती चली जाएगी हम ये भी कह सकते हैं के लोग जो हैं जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे अपनी पार्टिसिपेशन के थ्रू अपने वोट देने के लिए प्रोटेस्ट के ज़रिए मेंबरशिप के ज़रिए उतना ज़्यादा वो खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अपनी लीडरशिप के ऊपर भी चेक रख सकेंगे क्योंकि हर सियासी जमात का बुनियादी मकसद इकतदार में आना होता है लेकिन इकतदार में आने का तरीक़ार जो है वो डिपेंडेंट है वोटर्स के ऊपर अगर वोट मिलेगा तो सियासी जमात जो है वो इकतदार में शामिल हो सकती है चुनाचे सियासी जमातों का बुनियादी मेथड लोगों की पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करने के लिए क्या है कि उनकी पार्टिसिपेशन को इनक्रीज़ किया जाए वोटिंग के लिहाज से अगर कहीं एहताज करना है तो कितने लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा और फिर कितने तादाद में लोग जो हैं किसी भी सियासी जमात का मेम्बर बनने को तरजीह देते हैं तो ये मुख्तफ़ किस्म के ट्रेंड्स हैं थ्रू विच दिटिज़न पार्टिसपेशन कैन भी इन्हेंसड बाई द एफर्ट ऑफ पोलिटिकल पार्टीज स्पेसिफिकली इन पॉलिटिक्स